हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ धीरज शिंदे और आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हमें गजानन नगर से कॉल आया है कि यहाँ पर एक कुएं में एक छोटा सांप का बच्चा गिरा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं और आप लोग कुआं देख सकते हैं, बहुत ही गहरा कुआं है, 20-25 फुट नीचे होगा और यहाँ पर एक चेकर्ड किलबैक सांप है। और अब इस कुएं में अच्छे से सीढ़ी लगा दी है। अभी मेरा काम यहाँ पर शुरू होता है। सबसे पहले तो मुझे थोड़ा संभल कर उतरना पड़ेगा क्योंकि ये कुआं छोटा है और जब छोटा कुआं और गहरा रहता है तब नीचे जाने के बाद ऑक्सीजन बहुत ही कम मिलता है, तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और उसमें भी हम अगर सांप निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। और बारिश की वजह से काफ़ी घास फूस इस कुएं के अंदर आ चुकी है, तो पैर फिसलने के चांसेस भी हैं, तो मुझे यहाँ पर संभल के नीचे नीचे जाना पड़ेगा। वैसे आप लोगों को बता दूं कि जो सांप हम पकड़ने के लिए नीचे जा रहे हैं वो सांप चेकर्ड किलबैक है, यानी पांदीवड़ कहते हैं उसे, और ज़्यादातर नाले में तालाब में रहना पसंद करता है सांप, और मेंढक मछली ये सब खाता है। और ये सांप काफ़ी गुस्सेल होते हैं, कितना भी छोटा रहा तो बहुत ज़्यादा काटने की कोशिश करते हैं। और अभी हम नीचे जा रहे हैं और एक छोटे से छेद में वो घुस गया है और हमें ये छोटा सांप दिख गया है, इस छेद में आराम से बैठा हुआ है। शायद उसने 4-5 दिनों से कुछ खाया नहीं, क्योंकि इसके ओनर को भी नहीं पता, इस कुएं के ओनर को भी नहीं पता कि ये सांप कब गिरा है। जब उन्हें दिखा तो उन्होंने मुझे बुला लिया, क्योंकि 4-5 दिनों से अगर गिरा होगा तो बेचारा भूखा पैसा बैठा होगा और यहाँ पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा जैसे तालाब में नाले में मिलता है। अभी मैंने इसे भरने में तो बंद कर दिया, अब मुझे जल्दी से ऊपर आना होगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम मिल रहा है। और हमें यहाँ पे पूरा सांप पकड़ने के लिए पूरे 2 घंटे मेहनत करनी पड़ी है और 2 घंटे के बाद हमें पता चला कि सांप कहाँ पर छिपा हुआ है। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और इसी तरह हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है और हमने फाइनली इसे सेफली रेस्क्यू कर लिया है और अभी हम उसे जल्द से जल्द जाकर जंगल में छोड़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।